तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक के मेन करेक्टर्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो यार फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी। बेबी मैंने दो चार बार तुम्हें कपड़े सुखाते देखा है और बर्तन मांजते हुए देखा है। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि एक लड़की अपने लड़के बॉयफ्रेंड को ये बोलेगी कि मैंने तुम्हें बटन मारते हुए देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है, चूज़ किया है। वाह कैसा टिकटॉक का वीडियो है, ये कैसा वीडियो है भाई। नुन्नू की थुन्नु मैडम भी मर जाए, हमारी दया भी मर जाए और सीआईडी सब मर जाए, हमारी अंकल चाचा जो भी है सब बंस मर जाए। नुन्नू का थुन्नु ऐसा वीडियो कोई ना बना सके भाई। पहले तो ठीक ही था गान, लेकिन ये लड़का कहाँ से टप पड़ा और वो कैसे डांस कर रहा था भाई, ऐसा वीडियो कोई ना बना सके भाई सचमुच में। और ये और एक लड़का टपक पड़ा और लड़का सीधा बाहर चला गया भाई डांस क्यों किया। और ये कैसा कमर हिला रहे थे भाई, कैसा देख के हंसी आ गई। उसमें कोई इसके लिए बिंदिया और लड़का लेके आए आप पाएगा सचमुच में, इसे लड़के की बहुत ज़रूरत थी इसलिए वो चिल्ला रही है ऐसे और बिंदिया ऐसे डांस कर रही है। कैसा है भाई ये सब, तो वो लोग करते हैं ना जो चूतिए होते हैं। ये बिंदिया लज्जा कैसा डांस है भाई। तो अब मैं YouTube पे सर्च करूँगा लाइव हिंदी, जहाँ पे TikTok किसने बनाया है हमें पता चलेगा। तो हम कमेंट में क्या लिखते हैं आप देख लीजिए। जिनमें से कुछ आपकी फेवरेट होंगी और कुछ नहीं भी, लेकिन आज हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग सभी की पसंदीदा है और लोगों के दिलों पर राज करने के साथ साथ यह प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के चार्ट पर भी राज कर रही है। और इस एप्लीकेशन ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपने करोड़ों यूजर्स बना लिए। और यह ऐप आपको एंटरटेन करने के साथ साथ वीडियो क्रिएशन और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पैसे कमाने का जरिया भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यूजिकली ऐप के बारे में, जिसे कि आपने भी शायद कभी न कभी यूज तो किया ही होगा और अगर नहीं किया तो इसके बारे में सुना तो जरूर ही होगा। यह बेसिकली एक चाइनीज वीडियो सोशल नेटवर्क और लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऐप है जो कि अपनी शुरुआत के बाद से ही काफ़ी चर्चे में रही है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में यूजर्स 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो बना सकते हैं, साथ ही यहां पर आप अलग से साउंड ट्रैक को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर टाइम लैप्स, फास्ट, नॉर्मल, स्लो मोशन और एपिक की तरह ही अलग अलग स्पीड ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही यह एप्लीकेशन प्रीसेट फिल्टर्स और इफेक्ट्स के साथ आती है जो कि आपके वीडियोज़ को और भी शानदार बनाने का काम करती है। हालांकि दोस्तों अभी तक तो हमने इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बातें की हैं, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसे बनाया किसने। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को एलेक्स जहू और लुयो योंग नाम के दो दोस्तों ने साथ मिलकर बनाया था। हालांकि इस एप्लीकेशन पर काम करने से पहले उन्होंने एक एजुकेशनल पर्पज सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन भी बनाया था, जिसके जरिए यूजर्स 3 से 5 मिनट के वीडियोस बनाकर अपनी एजुकेशनल नॉलेज शेयर कर सकते थे। और उनका यह आइडिया इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी पसंद आया था और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए बहुत ही जल्द कई सारे इन्वेस्टर्स भी मिल गए। और फिर पैसे कलेक्ट हो जाने के बाद से 6 महीनों तक काम करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। हालांकि इस एप्लीकेशन से जितनी सफलता की उम्मीद की जा रही थी उतनी सक्सेसफुल या हो नहीं सकी और इसी वजह से एलेक्स और लुयो को निराशा हाथ लगी। हालांकि अभी भी वे शांत बैठने वालों में से नहीं थे, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेगमेंट में कुछ करने का सोचा। हालांकि अब नए प्रोजेक्ट के लिए उनको दोबारा से फंडिंग की ज़रूरत होती, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट नाकाम हो जाने की वजह से कोई भी इतनी आसानी से उनके आइडिया पर पैसे नहीं लगाता और इसीलिए उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट से बचे हुए कुछ पैसों का इस्तेमाल इस नए प्रोजेक्ट में किया।
हालांकि अब बारी थी कुछ ऐसा कर दिखाने की जिससे कि इस बार वे असफल ना हो, और इसीलिए उन्होंने अमेरिकन टीनेजर्स को टारगेट करके यह एप्लीकेशन बनाने का फैसला किया, क्योंकि पूरी दुनिया में नए ट्रेंड्स को सबसे जल्दी यही लोग अडॉप्ट करते हैं। और फिर अपने आइडिया के तहत काम करने के बाद से 2014 में म्यूजिकली का पहला ऑफिशियल वर्जन लॉन्च कर दिया गया, और इस प्रोजेक्ट पर इस बार कुछ ऐसी मेहनत की गई थी कि यह कभी असफल हो ही नहीं सकती थी। और लॉन्चिंग के कुछ महीनों के बाद 2015 में इसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया, और इस एप्लीकेशन के शुरुआत के बाद से इसकी सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ महीनों के भीतर ही जुलाई 2015 में यह एप्लीकेशन iOS के ऐप स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई। इसके अलावा कनाडा, UK, जर्मनी, ब्राजील, फिलीपींस और जापान जैसे 30 देशों में म्यूजिकली फ्री ऐप के तौर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन बनी। और दोस्तों, इन आंकड़ों को देखते हुए अब कहा जा सकता था कि एलेक्स और लुयू का आइडिया अब सफल हो चुका था। हालांकि दोस्तों, यह तो बस अभी शुरुआत थी, इसके बाद भी इस एप्लीकेशन ने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ। जुलाई 2016 तक म्यूजिकली एप्लीकेशन के 90 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे, और हर दिन 12 मिलियन से भी ज़्यादा नए वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे थे। और फिर 2017 में म्यूजिकली को बाइट डांस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने एक्वायर कर लिया, और कहा जाता है कि यह डील करीब $800 मिलियन से $1 बिलियन के बीच में हुई थी। बाइट डांस के एक्वायर करने के बाद से इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन इसकी लोकप्रियता का जो सबसे मुख्य कारण लिप सिंकिंग था वह नहीं बदला, और आज भी यह फीचर ठीक उसी तरह से काम करता है। और दोस्तों, 2018 आते आते इसके 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हो चुके थे, जो कि इसे सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क की लिस्ट में शामिल करता है। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले लोग कुछ इस तरह से हैं। पहले तो म्यूजिकली का ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर 30.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं लिसा एंड लीना, जिन्हें 29.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और इसी तरह से आगे बेबी एरियल के 27.1 मिलियन, लॉरेन ग्रे के 26.7 मिलियन और क्रिस्टन हैंचर के 20.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूजिकली की सफलता ने इस बात को साबित कर दिया है कि भले ही आज मोबाइल इंटरनेट मार्केट बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा डोमिनेट की जाती हो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं कि आपको म्यूजिकली एप्लीकेशन की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चला कि टिकटॉक बनाया था एलेक्स जुहू और क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन ये बनाया है और मैंने कमेंट में बहुत बुरी तरह से बोला है। आप देख सकते हैं वीडियो को। क्या बताऊं भाई, पहले मैं सिगरेट पीता था, फिर एक दिन मौसी ने कहा कि गर्लफ्रेंड बना लो। अच्छा, फिर अब मेरी औकात बीड़ी पीने लायक भी नहीं है। तुम्हें लग ओहो, बेटा पहले सिगरेट पीता था, उसके बाद उसकी मौसी ने बताया सिगरेट छोड़ गर्लफ्रेंड बना, लेकिन वो सिगरेट के समान भी नहीं, औकात में नहीं है। वाह, वो औकात में ही नहीं है। बाप रे, कितना अच्छा है ये वीडियो। ये वीडियो तो सबको शेयर कर देनी चाहिए, मतलब कि ऐसे वीडियो मत बनाओ यार, मत बनाओ, नहीं तो मैं गाली दूंगा, कुछ बोलूँगा, सर मत करो। ये ऐप जिसने बनाया, मैंने नाम बोला ना, वो सब मर जाओ साहब, जिंदगी में ना मिले। मैं तो स्मार्ट हूँ, मैंने तो 14 दिन का कंप्यूटर कोर्स 12 दिन में कर लिया था। कंप्यूटर कोर्स आपने नहीं कर रखा? मुझे ताड़ है भाई, इतनी स्मार्ट है कि कंप्यूटर कोर्स 14 दिन में ख़त्म कर लिया। उसके बाद उसके पति को बोला कि आपने किया है, उसने बोला कि नहीं। वाह, ऐसा डायलॉग तो सीरियल वालों में भी नहीं मिलेगा, आपको साथ निभाना ये सब सीरियल में भी नहीं मिलेगा, असली कि इस ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगा ऐसा डायलॉग। तो गाइस, आज के वीडियो इतने में ही है, आधा वाला पार्ट 2 में डाल लेंगे। और वीडियो तो चाहिए ना, तो लाइक ठोको, शेयर ठोको, कमेंट दो, और सब्सक्राइब वो लाल बटन होना है ना, उसे दबाओ, नहीं दबाया तो मैं तुम्हें पेन से तो वैसे मार दूंगा। तो करो ये सब, बाय बाय दोस्तों, जीवन में कुछ नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।